टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि अब मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाना नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ट्राई की ओर से मोबाइल कंपनियों को ऐसे फैसले लादने का कोई तुक नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव असंवैधानिक है और इस तरह के फैसले पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों की क्षतिपूर्ति करने वाला ट्राई का आदेश गलत और गैर पारदर्शी है। कोर्ट का यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत देने वाला फैसला है। कंपनियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप पर हर्जाना नहीं मिलेगा। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। उज्जैन पहुंच अमित शाह ने साधु संतों व दलित समुदाय के साथ छिपरा नदी में डुबकी लगाकर किया संत समागम स्नान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सिंहस्थ कुंभ के दौरान छिपरा नदी में साधु संतों और दलित समुदाय के लोगों के साथ डुबकी लगाई और फिर स्नान के बाद घाट के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर में पूजा कर संतों के साथ भोजन किया और साधु संतों को सम्मानित भी किया। इससे पहले अखाड़ा परिषद के सदस्यों द्वारा पहले इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने के आरोप के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस कार्यक्रम का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि इससे साधुओं में मतभेद बढ़ेगा, जिसके मद्देनजर इस स्नान को समरसता स्नान के बजाय संत समागम स्नान का नाम दे दिया गया, जिसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने खुद अमित शाह के साथ इस स्नान में आज शामिल होकर छिपरा नदी में डुबकी लगाई। सिंहस्थ कुंभ के दौरान गुरुवार को एक विशेष परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया जाएगा। वहीं इसका समापन भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तीस्ता शीतलवाड़ के एनजीओ के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच का सामना कर रहे आनंद जोशी रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गए। घर से जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्हें फंसाए जाने की बात कही गई है। तीस्ता शीतलवाड़ के एनजीओ पर विदेशी धन लेने का आरोप था, जिसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। तब गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे आनंद जोशी भी इस मामले में सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। आनंद जोशी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में परिवार के साथ रहते हैं। सीबीआई की टीम ने पिछले कुछ दिनों से उनसे पूछताछ तेज कर दी थी और उनके घर पर तमाम दस्तावेज भी खंगाले थे, साथ ही बैंक में उनके लॉकर की भी छानबीन की थी। सीबीआई की इस कार्यवाही से वह परेशान चल रहे थे। मंगलवार की रात अचानक घर से लापता हो गए। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी मीनाक्षी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उनके उच्चाधिकारियों द्वारा उन्हें फंसाए जाने का आरोप लगाया गया, साथ ही सीबीआई पर भी उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया। आनंद जोशी के लापता होने के बाद गाजियाबाद पुलिस उनके घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आनंद जोशी की पत्नी व बच्चों का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि आनंद के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराबबंदी को लेकर प्रदेश में एक बार फिर बहस छिड़ी है और इसी बहस में कूद पड़े हैं प्रदेश के उद्योग, खेल और युवा मामला मंत्री गजेंद्र खिमसर। गजेंद्र खिमसर ने आज एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शराब पीना मौलिक अधिकार है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग पर पूर्व विधायक गुरुचरण छाबड़ा ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं अलवर में शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं की गुलाबी गैंग भी बन गई। लेकिन प्रदेश के उद्योग मंत्री गजेंद्र खिमसर शराब के फायदे गिनाने में जुटे हैं और शराब, सिगरेट सहित कुछ भी खाना पीना जनता का मौलिक अधिकार बताते हैं। खिमसर के अनुसार जहां शराबबंदी हुई वहां शराब की अवैध बिक्री और तस्करी बढ़ी, तो वहीं युवा पीढ़ी भी गलत रास्ते पर भटक गई। मंत्री जी की नजरों में शराब मंदी के कई साइड इफेक्ट भी है। शराबबंदी से भले ही गजेंद्र खिमसर सहमत ना हो, लेकिन शराबबंदी के क्या क्या नुकसान है ये उन्होंने बखूबी गिना दिया। यही कारण है कि कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। जयपुर नगर निगम साधारण सभा की अहम बैठक 20 मई को होने की संभावना है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। साधारण सभा की बैठक में सफाई ठेका कंपनी के मसले पर हंगामा हो सकता है। कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर नगर निगम प्रशासन ने सफाई कंपनी का ठेका नहीं बदला तो बैठक नहीं चलने दी जाएगी। पार्षदों का आरोप है कि कंपनी का ठेका अवधि कई माह पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ठेका कंपनी सफाई का काम संभाल रही है। कांग्रेसी पार्षद उमर दराज ने बताया कि ना तो शहर की सफाई हो रही है और ना ही बीट कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल रहा है। इसके बाद भी ठेका कंपनी लगातार नगर निगम से पैसा उठा रही है। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि कई महीने पहले ही नगर निगम का बजट पास कर दिया गया था,
लेकिन कई माह गुजरने के बाद भी शहर में विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए। ऐसे में स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगा जयपुर शहर, इस पर सवाल उठ रहे हैं। भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए ओबीसी आयोग के चेयरमैन जीआर गोयल सचिव व सदस्यों के साथ आज भरतपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में ओबीसी आयोग से पूर्व मंत्री नत्ती सिंह सहित भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के और जिला जाट महासभा के पदाधिकारियों ने आयोग से मिले और अपना पक्ष रखा। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें अधिकारियों से जो पत्र भेजे गए उनके आंकड़ों के बारे में भी जानकारी ली और आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्दी सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक सर्किट हाउस में ली। बैठक में अध्यक्ष ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जाट परिवारों के संख्यात्मक आंकड़ों की सूची जिला प्रशासन से मांगी। बैठक में जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की बोलती बंद है। आसाराम पिछले कई दिनों से पैरों में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और व्हील चेयर पर कोर्ट में आते जाते हैं। इसके साथ ही आसाराम ने अब बोलना भी बंद कर दिया है। पुलिस ने आसाराम को सेंट्रल जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। आसाराम पुलिस की गाड़ी से सहारा लेने के बावजूद मुश्किल से उतरे। इसके बाद उनको व्हील चेयर पर बिठाकर कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में आसाराम की अर्जी पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कुछ दस्तावेज अभियोजन पक्ष के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया। आसाराम ने कोर्ट से बाहर लाए जाने पर इशारों से बताया कि उनके सिर व पैरों में दर्द है, जिससे वे बोल नहीं पा रहे। आसाराम इस मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगातार बीमारी की दुहाई दे रहे हैं और इस आधार पर जमानत भी मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आसाराम की मौजूदा हालत उनको जमानत दिलाने में मददगार साबित होगी या नहीं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक ने परिवार के सभी सदस्यों को बेहोश कर 12 वर्षीय नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता की माने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की माँ ने बताया कि उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। ऐसे में नाबालिग की माँ बेटी की जान फूंक कराने एक तांत्रिक को अपने घर ले आई, जहां देर रात तांत्रिक ने हवन के नाम पर मकान में धुआं कर सभी को बेहोश कर दिया। उसके बाद आरोपी तांत्रिक ने नाबालिग को हवस का शिकार बना डाला और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की माँ ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। बहरहाल आरोपी तांत्रिक ने हवन सामग्री में केमिकल डालकर परिवार के सभी लोगों को बेहोश कर दिया। उसके बाद आरोपी ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में सेना की बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। मामले के अनुसार रेलवे कॉलोनी क्षेत्र के खाली बावड़ी इलाके में रहने वाली सपना पति रणजीत के साथ बाइक पर जा रही थी। वह रणजीत के साथ बाइक पर माला फाटक रोड से JDB कॉलेज की तरफ आ रही थी। जैसे ही उनकी बाइक पुलिस लाइन सरकारी स्कूल के गेट के सामने तक पहुंची, पीछे से आ रही आर्मी स्कूल की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी कोशिश में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक संतुलित हो गई और सपना बस के नीचे आ गई। बस का टायर महिला के सिर को कुचलता हुआ निकल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सपना को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में जांच की जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद सेना के कर्मचारी भी पोस्टमार्टम रूम पहुंच गए थे। सेना के अनुसार मामले में विभागीय कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत घंटाघर स्थित देशी शराब की दुकान पर महिलाओं द्वारा प्रदर्शन चल रहा था। पिछले 1.5 माह से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर के आज ठेकेदार द्वारा कुछ महिलाओं को बुला करके उनको हटवाया गया। इसमें उनमें काफी झड़प हुई और उसके बाद सभी महिलाएं थाने पहुंच गई, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा उतरा और महिलाएं आमने सामने नजर आई। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत अंडे वाली गली में स्थित शराब के ठेके को बंद कराने के लिए धरना दे रही गुलाबी टीम की महिलाओं पर शराब ठेकेदार द्वारा बुलाई गई महिलाओं ने हमला बोल दिया, जिसे धरने पर बैठी 4 महिलाएं घायल हो गई। शराब ठेकेदार द्वारा बुलाई गई करीब 40 महिलाओं ने धरने पर बैठी महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वहां बैठी महिलाएं जान बचाकर कोतवाली थाने भागी। यहां गुलाबी टीम की महिलाओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि महिलाओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। गुलाबी टीम की महिलाओं ने बताया कि महिलाओं पर हमला करने वाले ठेकेदार के आदमी थे,
जिसमें कई आदमी भी शामिल थे और महिलाओं को बड़ी संख्या में बुलाया गया था। कुछ आदमी महिलाओं के कपड़े पहन कर आए थे जो उनके साथ मारपीट कर रहे थे। कोतवाली में प्रदर्शन के दौरान गुलाबी टीम की महिलाओं ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद अपने मोहल्ले से महिलाओं को बुलाकर कोतवाली में एकत्रित होकर रैली के रूप में शराब ठेके पर जा पहुंची, जहां पर दोनों गुट आमने सामने हो गए और उसके बाद तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने बीच में पुलिस को आना पड़ा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं वहीं धरना देकर बैठ गईं, जिसके बाद से मामला लगातार गंभीर बना हुआ है। महिलाओं के आमने सामने हो जाने के बाद काफी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई, जिससे कि महिलाएं आपस में दोबारा न भिड़ जाएं। महिलाओं के बीच झड़प के बाद से सभी महिलाएं काफी रोष में थी और कई महिलाओं को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद से महिलाएं मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द शराब दुकान को बंद किया जाए, जिससे कि उनकी जो आंदोलन है वो खत्म हो। और शहर में अभी फिलहाल लास्ट में अब यही आंदोलन है जो इस ठेके को लेकर के चल रहा है। ब्यावर शहर में लगातार दो दिनों से चोरियों का सिलसिला जारी है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में तीन मकानों में घुसकर लाखों रुपए के जेवरातों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। रात में पुलिस की गश्त व्यवस्था को चमका देते हुए अज्ञात चोरों ने विनोद नगर स्थित सुमतीनाथ मंदिर के पास रहने वाले नरेंद्र कुमार गिलड़ा के मकान में घुसे, लेकिन क्षेत्रवासियों की जाग हो जाने के कारण पत्थर बरसाना शुरू कर दिया गया, जिससे एक घर के बाहर रखी कार के शीशे टूट गए। इसी प्रकार चोर मसूदा रोड क्षेत्र में मुकेश बैरवा के सूने मकान से सारा सामान समेट कर भागने की फिराक में थे, लेकिन वहां पर भी पड़ोसियों की मौजूदगी की भनक के कारण अज्ञात चोर घरेलू सामान वहीं पर छोड़कर भाग छूटे। इस दौरान चोर 30,000 रुपए की नकदी सहित 2,00,000 रुपए के जेवर ले जाने में कामयाब रहे। इसी प्रकार विनोद नगर स्थित नौरत्मल डेडिया के मकान की खिड़की की ग्रिल तोड़कर भीतर घुसे चोरों ने पूरा घर खंगाला और घर में रखे 4 चांदी के गिलास, एक ड्राई फ्रूट ट्रे और 1,500 रुपए की नकदी चुरा ली। बुधवार सुबह चोरी की वारदात की जानकारी पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध चड्डी बनियान गिरोह के सदस्य नजर आ रहे हैं। सोडाला पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एक दुष्कर्म के आरोपी का 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पीछा करके उसे दबोच लिया। दरअसल सोडाला थाने में 2013 के अंदर एक युवती ने संजय मूलचंदानी नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद दुबई भाग गया था और तब से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। वहीं पुलिस को आरोपी के मोबाइल का IEMI नंबर हाथ लगा था। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो लोकेशन दुबई आई, जिस पर राजधानी पुलिस ने इंटरपोल से भी आरोपी को गिरफ्तार करने की मदद मांगी थी। वहीं 4 दिन पहले अचानक आरोपी का मोबाइल बंद हो गया और 3 दिन बाद आरोपी का मोबाइल चालू हुआ, जिसकी लोकेशन नागपुर में आई, जिस पर सोडाला पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम को दबिश देने के लिए नागपुर भेजा गया। पुलिस मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए नागपुर पहुंची और एक मकान में दबिश दी, लेकिन तब तक आरोपी वहां से निकल चुका था। जब लोगों से पूछताछ की गई तो इस बात का पता चला कि आरोपी ने दुबई में एक युवती से शादी कर ली है और आरोपी अपने ससुराल में एक फंक्शन में शामिल होने दुबई से नागपुर आया था। और साथ ही इस बात का भी पता चला कि आरोपी दुबई के लिए निकलने वाला है, जिस पर सोडाला पुलिस ने नागपुर एयरपोर्ट पर भी अपना जाल बिछाया, लेकिन आरोपी वहां से भी पुलिस को गच्चा देके फरार हो गया और इसके बाद एक प्राइवेट बस के जरिए शिरडी की तरफ निकल गया। पुलिस ने उस बस का भी पीछा किया, लेकिन रास्ते में आरोपी बस से उतरकर एक प्राइवेट टैक्सी में पुलिस को गच्चा देते हुए निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने उस प्राइवेट टैक्सी का पीछा किया और आखिरकार आरोपी को दबोच लिया। पुलिस आरोपी संजय मूलचंदानी को गिरफ्तार करके जयपुर ले आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि इस आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई मामलों पर से खुलासा होगा। फिलहाल दुष्कर्म का आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूछताछ के दौरान दुष्कर्म के अलावा आरोपी और क्या क्या राज उगलता है। राजधानी जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जमीन के फर्जी कागज तैयार कर JD से पट्टा प्राप्त कर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चंदालाल नामक पीड़ित ने सोडाला थाने में रवि प्रकाश सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर 4 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए जमीन के फर्जी कागजों के साथ आरोपी रवि प्रकाश सैनी को सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के सहयोग से जमीन के फर्जी कागज तैयार किए और JD में फर्जी कागजात प्रस्तुत कर उसका पट्टा जारी करवा लिया। वहीं पुलिस का शक JD के कुछ कर्मचारियों पर भी है, जिन्होंने फर्जी कागजों की जांच करे बिना ही JD का पट्टा दे दिया।
फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, साथ ही पुलिस जेडे कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। बीकानेर में इन दिनों चोरी लूट अपराध जैसी संगीन वारदातों की लगातार बढ़ती जा रही है, मगर बीकानेर की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, जिसको लेकर आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है, जहां पर एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीकानेर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहाँ पुलिस ने एक बड़े डकैत गिरोह को पकड़कर पर्दाफाश किया है और 3 डकैतों के साथ 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है, तथा पुलिस को अभी तक 2 डकैतों की तलाश जारी है। बीकानेर पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 3 डकैत और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जहाँ 19 अप्रैल को इन डकैतों ने बीकानेर के गंगासर इलाके में एक सराफा व्यापारी के साथ लूट का अंजाम दिया था, जहां 5 नकाब नोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जांच पुलिस को सफलता हाथ लगी और 3 डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 डकैतों की तलाश में जुटी है। वहीं इनके साथ 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है, जहां ये तीनों लूट में आए सामने को धुमान कई तरफ भेजते थे। हालांकि पुलिस पिछले कई दिनों से इन डकैतों की तलाश में थी, जहां ये पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बीकानेर पुलिस के रेंज के IG गिरिराज मीणा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि जल्दी पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा और उनसे लूट की माल भी बरामद किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी से पूछताछ कर रही है, जहां पुलिस को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि जिस प्रकार आज पुलिस ने बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए बड़े डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया, उससे ऐसा लगता है कि बीकानेर की पुलिस जो आम जनविश्वास अपराध उपाय में लगती है। बहरहाल पुलिस को 2 डकैतों की तलाश में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ में महिला एवं बाल चिकित्सालय के खाली हुए भवन में सेटेलाइट चिकित्सालय खोलने का मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में महिला एवं बाल चिकित्सालय के नए भवन का कार्य 16 करोड़ की लागत से करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग को देखते हुए सांवलिया चिकित्सालय के परिसर में ही महिला एवं बाल चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसका उद्घाटन वर्तमान प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 6 महीने पहले ही किया था, तथा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक समारोह में पुराने भवन में सैटेलाइट चिकित्सालय खुलवाने की घोषणा करके तालियां भी बटोरी, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुराना चिकित्सालय भवन आज खाली पड़ा है तथा नशेड़ियों का अड्डा बना है, पर अभी तक सैटेलाइट चिकित्सालय के लिए किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि आम जनता के साथ मंत्री राठौड़ ने छलावा किया है, अगर जल्दी ही सैटेलाइट चिकित्सालय की मांग पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। बहरहाल पुराना महिला एवं बाल चिकित्सालय भवन शहर के बीच होने के साथ ही लोगों की सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त जगह है, ऐसे में सैटेलाइट चिकित्सालय की मांग अगर पूरी नहीं होती तो आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। लेक सिटी उदयपुर में बढ़ते तापमापी के पारे के साथ ही शहर के कई इलाकों में पानी की भारी समस्या देखी जा रही है, और यही वजह है कि पानी की समस्या को लेकर अब शहरवासी अपने हाथ में कानून लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। मामला शहर के कालका माता रोड इलाके का है, जहां पर पानी की किल्लत से परेशान आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के कर्मचारी को बंधक बना डाला। उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 स्थित कालका माता कॉलोनी के बाशिंदों ने आज जलदाय विभाग के कर्मचारी को बंधक बना दिया। दरअसल कालका माता कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही थी, जिसके चलते कॉलोनी वासी काफी परेशान थे। पेयजल सप्लाई करने वाला लाइनमैन 1 महीने से पानी की अनियमित आपूर्ति कर रहा था, ऐसे में लोग खासे आक्रोशित थे। आज लाइनमैन हरि सिंह कालका माता कॉलोनी से गुजर रहा था, उस दौरान कॉलोनी की महिलाओं ने उसे बंधक बना दिया। महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, वहीं करीब 1 घंटे तक लाइनमैन को बंधक बनाकर रखा। लाइनमैन द्वारा भविष्य में पेयजल की आपूर्ति सही तरीके से करने के आश्वासन के बाद महिलाओं का आक्रोश शांत हुआ। बंधक बनाए गए लाइनमैन ने साफ किया कि उन्होंने इस घटना के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, लेकिन मौके पर आने या नहीं आने का निर्णय अधिकारियों को लेना है। दूसरी ओर पिछले लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं ने आज जब लाइनमैन को इलाके में घूमता देखा तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। लाइनमैन हरि सिंह को पकड़ने के बाद महिलाओं ने उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और फिर उसे एक दुकान के बाहर बिठा दिया। करीब 1 घंटे तक क्षेत्र की सभी महिलाएं नारे लगाती रही और पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। लाइनमैन द्वारा आज पानी की सप्लाई शुरू करना है और आगामी समय में सही समय पर सप्लाई करने के आश्वासन के बाद उसे छोड़ा गया।
इस घटना के बाद जल विभाग के अधिकारियों ने इस इलाके में जरूर पानी की सप्लाई को शुरू कर दिया, लेकिन अभी मानसून को आने में कई दिन पड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले भीषण गर्मी के दो माह में जल आपूर्ति करना जल विभाग के लिए भी चुनौती भरा होगा। तमाम दावों के बावजूद महिलाओं से जुड़े अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। हकीकत तो यह है कि किसी अपराध के शिकार हो जाने के बाद महिलाओं को इंसाफ पाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला श्रीगंगानगर का है, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता एक महिला दर बदर भटक कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामले के मुताबिक श्रीगंगानगर की रहने वाली तलाकशुदा महिला की मुलाकात भांबू कॉलोनी में रहने वाले तीन लोगों से हुई, जिनमें दो महिला और एक पुरुष शामिल था। इन्होंने इस महिला के बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने दिखाते हुए दूसरी शादी करने की सलाह दी। पीड़िता ने दूसरी शादी की हामी भरी तो इन लोगों ने महिला की मुलाकात सूरतगढ़ के रहने वाले रामस्वरूप से कराई। बताया गया कि सूरतगढ़ थर्मल के कर्मचारी रामस्वरूप का अपनी बीवी से तलाक हो चुका है और वह भी दूसरी शादी करना चाहता है। इस पर पीड़िता उन लोगों के झांसे में आगे सूरतगढ़ चलेगी, जहां रामस्वरूप ने महिला को कुछ दिन अपने पास रखा और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब शादी की बात कही तो रामस्वरूप ने शादी से इनकार कर दिया। जैसे तैसे पीड़िता वापस गंगानगर पहुंची और आरोपियों को नामजद करवाते हुए मामला दर्ज करवाया। अदालत में लगाए गए इस गासे के बाद पुलिस ने इस साल की 8 मार्च के दिन मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। पीड़िता की माने तो वह कई बार इंसाफ के लिए गुहार लगा चुकी है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। बेखौफ आरोपी पीड़िता को धमकाने भी लगे हैं। इस मामले में पीड़ित महिला की माने तो उसने आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत पुलिस को दे दिए, बावजूद इसके पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठने लाजिमी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिरकार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और पीड़िता को इंसाफ दे पाती है। हनुमानगढ़ के गांव डबली में आज ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जब भी कोई यहां पर शिकायत लेकर जाता है तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और हर मामले के लिए पैसों की मांग करती है, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यहां पर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ गांव की डबली पुलिस के खिलाफ आज ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डबली चौकी की पुलिस बिना पैसों के कोई काम नहीं करती और अपराधियों के साथ मिलीभगत है। आए दिन गांव में वारदातें हो रही है मगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही। उल्टा जो लोग थाने में शिकायत लेकर आते हैं उन्हें पुलिस धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। और इसी आक्रोश का नतीजा था कि ग्रामीणों ने कामरेड पार्टी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस के उपाधीक्षक अतर सिंह पूनिया पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर आश्वासन दिया कि जो उनकी मांगे हैं उन पर जल्द ही गौर किया जाएगा। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद में ग्रामीण कुछ शांत जरूर हुए, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही डबली चौकी के पुलिस कर्मियों को यहां से नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन का मजबूर होंगे। देखना होगा कि आज के प्रदर्शन के बाद में पुलिस प्रशासन क्या डबली चौकी के पुलिस कर्मियों को हटाती है या नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पाठ्यक्रम से कम किए जाने को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर आज युवक कांग्रेस के बैनर तले अजमेर में प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका गया। कांग्रेसियों ने डाक बंगले से पुतले की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा को कलेक्ट्रेट चौराहे पे शव यात्रा के कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचने पर भाजपा और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि महापुरुषों को पार्टी के साथ जोड़कर उनका नाम पाठ्यक्रम से हटाना गलत है, भाजपा शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है। नारेबाजी के बाद कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुतले को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र ही पाठ्यक्रम में सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। आज जो प्रदर्शन किया गया उसमें युवक कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने भाग लिया। युवक कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों ने प्रदर्शन में भाग लिया। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पाठ्यक्रम से हटाने की या इनको कम करने की कार्रवाई की गई तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। पंचायती राज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सरपंचों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन टोंक में हो रही कार्यशाला में सरपंच अपनी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सरपंच जहां सरकार की ओर से सरपंचों के पावर छीनने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं जिले के अधिकारियों के ऊपर सरपंचों के खिलाफ जाके कार्य करने व उनकी बात नहीं मानने का आरोप लगाकर गाँव के विकास में बाधा पैदा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से टोंक जिले के अंदर 3 दिवसीय जिले के सरपंचों के आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर सभी सरपंचों ने भाग लिया। सरपंचों ने अपनी पीड़ा बताते हुए सरकार पे और जिले के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। पंचों का कहना था कि सरकार ने पहले तो उनके पास से जो पावर थे वो छीन लिए, उसके बाद रहा सहकारी अधिकारियों ने ठप कर दिया। सरपंचों ने आरोप लगाया कि जिले के जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं और गांव के विकास के अंदर
अक्सर बाधक बने हुए हैं। सरपंच जो विकास कार्य करवाना चाहते हैं, अधिकारी उसको रोक देते हैं और साथ ही तालमेल के अभाव के चलते विकास कार्य पूरी तरह से रुके हुए हैं। 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन के अंदर सरपंचों ने जमकर भड़ास निकाली तो अधिकारी और मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने यह आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों के अंदर सरपंचों को ऐसी समस्याओं से निराकरण मिल जाएगा। आमुखीकरण कार्यशाला से गांव का कितना विकास हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच ये तो साफ हो चुका है कि गांव के विकास के अंदर जो सरपंच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं वो शासन और प्रशासन की मनमानी के चलते पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान से प्रेरित होकर सवाई माधोपुर के छोटे से गांव भेतेड़ के रहने वाले जियाउर इस्लाम ने जिले वासियों को एक नई सौगात दी है। छोटे से गांव के रहने वाले इस युवा ने मात्र 1.5 MB की सवाई माधोपुर मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें जिले से संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे निःशुल्क एवं बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाले जिया उल इस्लाम का कहना है कि सवाई माधोपुर पर्यटन नगरी है, ऐसे में पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाले जिया उल इस्लाम का कहना है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन में हिंदी व अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया है।